वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग लगभग लगभग एक बहुत ही सिंपल अटैक स्ट्रेटजी की बात करेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर पावर्ड भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटजी से बहुत सारे ट्रिपल होते हुए देखे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, क्या स्ट्रेटजी है और कैसे थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट करना है उसको बात करूँगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्ट मतलब काफ़ी सिंपल ही अटैक है, तो मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है भी नहीं। तो ये अटैक है सिंपली विद सुपर जाइंट विद विच, एंड हमारे पास जैप होते हैं और टू अर्थक्वेक। तो जैप और अर्थक्वेक का काम क्या होता है, ये अटैक टाउन हॉल 12 और 11 दोनों पे काम करता है। बस अंतर ये होता है कि टाउन हॉल 12 पे 3 मल्टी होते हैं, तो चलो जो भी है, खैर उस वो तो हम बाद में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले अगर इस अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो टाउन हॉल 12 पे तो हमें 2 ही मल्टी मिल सकते हैं, तो 2 मल्टी ले लेंगे। उसके बाद मल्टी लेने के बाद हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ईगल की साइड से जाएं, ताकि ईगल जल्दी मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि ईगल अपोजिट साइड में हो, तो हर समय अप्रोच नहीं कर सकते, बट बेसिक आइडिया ये रहता है कि 2 आपको मल्टी डाउन करने हैं जैप और अर्थक्वेक से। उसके बाद सुपर जाइंट और मतलब विच एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ज़्यादा इसमें मतलब सर्जिकली कोई पाथिंग कुछ भी नहीं करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले अटैक ही चालू करते हैं और डबल स्पीड में देखते हैं, कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा एक्सप्लेन करने वाला। जैसे इसने 1 मल्टी ले लिया, दूसरा मल्टी भी डाउन हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग लगभग अच्छी खासी पाथिंग भी है, मतलब अगर हम ईगल की तरफ से आएँ या फिर क्वीन के पास जितनी भी एक्सपो हैं उसको टारगेट करते हुए आएँ, तो हमारे पास लगभग लगभग पूरा का पूरा बेस आउट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 मल्टी थे वो वाले पूरा कंपार्टमेंट डाउन हो ही चुका है। और इस समय तो लॉग लॉन्चर का भी बेनिफिट है, मतलब आप लॉग लॉन्चर से सारी की सारी इतनी सारी वॉल्स ओपन कर सकते हो। पहले लॉग लॉन्चर नहीं होता था, वॉल रेकर होता था, तो वो इतनी ज़्यादा वॉल्स ओपन नहीं कर पाता था, बट इस समय तो लॉग लॉन्चर की वजह से ये अटैक और भी ज़्यादा मतलब ओपी अटैक जाता है। इवन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने टाउन हॉल तक की वॉल ओपन कर रखी है, तो मतलब इतना ज़्यादा वॉल रेकर से वैल्यू कभी नहीं मिल पाती। तो हम लोगों ने वार्डन एबिलिटी से थोड़ा सा लॉग लॉन्चर को प्रोटेक्ट किया था, ताकि हमें बेटर वैल्यू मिल सके। हमारे पास अभी भी क्वीन एबिलिटी है, एक फ्रीज भी है। तो ये अटैक तो इवन हम अभी देख सकते हैं कितने सारे हमारे पास स्केलेटन अलाइव हैं, 4 to 5 विचेस भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें मतलब आपके सुपर जाइंट मर जाएंगे, बट ज़्यादातर विचेस ही सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि मल्टी ज़्यादा होता नहीं। आप 2 मल्टी ऑलरेडी डाउन कर चुके हो, 1 ही मल्टी बचा, तो इतनी ज़्यादा मतलब विचेस को डैमेज देने वाला कोई भी बिल्डिंग होती नहीं है। और आइस कोलम थोड़ी देर ये सब फ्रीज कर ही देते हैं। हम लोग एक और टाउन हॉल 12 का अटैक देखते हैं, फिर टाउन हॉल 13 पे चलते हैं। तो सिंपल यही अटैक है, सुपर जाइंट विद विच, दो मल्टी जाएंगे मोस्ट ऑफली। देखते हैं कहाँ कहाँ पे ड्रॉप करते हैं ये। एक तो चला गया अपना 3 o'clock वाला मल्टी चला गया। दूसरा आई गेस अगर मुझे पाथिंग चाहिए तो मोस्ट ऑफली 9 के राउंड वाला हो, नहीं तो आई गेस मल्टी से ही आते हुए उसकी सॉरी लॉग लॉन्चर भी आएगा, जहाँ तक एक्स मतलब वार्डन के साइड से और मल्टी के साइड से होते हुए पाथिंग आएगा। हाँ भाई, मल्टी के साइड से थोड़े से उसने सुपर जाइंट ड्रॉप कर दिया, ताकि उसको मल्टी भी मिल जाए। और जो लॉग लॉन्चर आएगा उसकी ऐसी पाथिंग रखी है कि मतलब पूरा कोर से होते हुए क्वीन कंपार्टमेंट और सब कुछ मतलब मिलते हुए चला जाए। तो हमारे पास इसमें 2 फ्रीज भी होते हैं, मोस्टली फ्रीज का यूज़ यही होता है कि अगर आप टाउन हॉल बैक एंड पर ले रहे हो, मतलब थोड़ा रिस्की गेम खेलो, अपोजिट साइड से अगर आप जा रहे हो टाउन हॉल को, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे 1-2 फ्रीज टाउन हॉल पे लग ही जाते हैं, क्योंकि विचेस को मतलब काफ़ी हैवी डैमेज आता है जब हम लोग टाउन हॉल से फाइट लेते हैं। बाकी पॉइजन तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइन कास्टल के ही होगा, और जैप और जो अर्थक्वेक थे वो सारे के सारे मल्टी पे आ गए। तो अभी हम देख सकते हैं हमने कोई भी लबल व कोई भी स्पेल यूज़ नहीं किया, एक पॉइजन था वो हम लोगों ने अपने ऊपर मतलब सीसी के ऊपर डाल रखा है। फ्रीज हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, हम लोग जैसे देखेंगे कि हमारा टाउन हॉल विचेस को थोड़ा डैमेज देने लगेगा, हम टाउन हॉल को फ्रीज़ कर लेंगे। इवन इसमें उसने वार्डन एबिलिटी से मतलब लॉग लॉन्चर को प्रोटेक्ट भी नहीं किया था, तो मतलब थोड़े बहुत ट्विक्स आप भी कर सकते हो अटैक में, मतलब आपको जैसी अप्रोच आए उस हिसाब से ले सकते हैं। उसने अभी वार्डन एबिलिटी दी, क्वीन को प्रोटेक्ट कर लिया और सारी की सारी विचेस भी बच गई। इवन किंग भी कवर था वार्डन एबिलिटी में, तो वो भी थोड़ी देर तक बचा रहा, अदरवाइज उधर वार्डन का बहुत हैवी डैमेज आ रहा था अपोनेंट वार्डन का। हमारी क्वीन की एबिलिटी पॉप हो चुकी है, बट अभी भी हम देखें तो हमारे पास एक फ्रीज बचा हुआ है और टेस्ला फार्म ही बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। फ्रीज तो खैर स्वैग हो गया, आई थिंक वो क्वीन को बचाने का ट्राई कर रहा था, बट थोड़ा सा आई गेस लेट हो गया। तो डबल स्पीड करते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। किंग की एबिलिटी थी तो किंग की एबिलिटी ने अपने आप टेस्ला फार्म क्लियर कर लिया। अभी भी हमारे पास हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड हमारे पास 4 विचेज़ हैं, और इधर भी 3 विचेज़ आई थिंक सर्वाइव कर रही हैं।
बाकी एक दो और भी हो सकती हैं, तो मतलब विचेज ही मोस्ट ऑफ द टाइम बचती हैं, ज़्यादातर सुपर जाइंट्स आपके मर जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि टाउन हॉल 11 में इसी की क्या वैरायटी होती है, तो टाउन हॉल 12 पे ज़्यादातर लोग सुपर जाइंट विद विच कैरी करते हैं, और अगर आपका बेस टाउन हॉल 11 है तो इसमें आता है जाइंट, सॉरी जाइंट बोला, इसमें आता है आपका गोलम विद विच। सेम ही प्लान रहता है, आपको दोनों मल्टी डाउन करने हैं जैप और अर्थक्वेक के साथ, उसके बाद गोलम से थोड़ा सा टैंक करना है। मैंने तीन गोलम भी यूज़ होते हुए देखे हैं, जैसे ये बंदा यूज़ कर रहा है, इसमें आपको दो गोलम दिख रहे हैं और बीच में दो आइस गोलम। तो अगर आपको आइस गोलम नहीं कैरी करना है तो आप सिंपली दो मतलब तीन आप गोलम कैरी कर सकते हो इस अटैक में, आई थिंक, क्योंकि उसके पास मतलब काफ़ी सारी वॉल्स ओपन ही हैं, ज़्यादातर हम देख सकते हैं इधर कंपार्टमेंट ओपन है, इधर भी कंपार्टमेंट ओपन है, इस वजह से आई थिंक उसने लॉग लॉन्चर नहीं यूज़ किया, क्योंकि सीज बैरक अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके हमें एडिशनल विजार्ड मिलेंगे, पैका मिलेगा, तो आई थिंक उसने मतलब बेटर ट्रूप्स ज़्यादा वैल्यू मिलने की वजह से उसने आई थिंक सीज बैरक यूज़ की। अब हमारे पास अभी सीज बैरक के हॉग निकलने हैं, हम लोग एक पॉइजन यूज़ कर चुके हैं और एक जंप भी हम लोग यूज़ कर, अच्छा हाँ, इसमें उसने जंप यूज़ किया था आई गेस, तभी उसने लॉग लॉन्चर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि अगर आपके वो जंप नहीं है तो आपको हर हाल में लॉग लॉन्चर लेके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कोर तक सारे के सारे ट्रूप्स नहीं ले जा पाएंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जंप इसने अभी किंग कोर में है, और क्वीन की अभी भी एबिलिटी बची है, बट क्वीन क्योंकि आउटसाइड निकल चुकी है, बाहर घूम रही है, बट अभी भी हमारे पास कोर में जितने भी सीज बैरक के विजार्ड विजार्ड थे काफ़ी सारे हैं, विचेस भी आई थिंक 3 to 4 विचेस कोर में अभी भी सर्वाइव हैं। और अगर हम स्प्लैश डैमेज की बात करें, मतलब जो विचेस को हमारे सर्वाइव प्रॉब्लम दे सकता है, वो केवल बचे हैं दो विजार्ड विजार्ड टावर, उनमें से एक ऑलरेडी अब डाउन हो चुका है, केवल एक ही विजार्ड बचा है, बाकी हम अभी भी, सॉरी, एक ऊपर भी है 12 o'clock पे, बट अभी भी हमारे पास क्योंकि क्वीन एबिलिटी है तो अगर मतलब आई विजार्ड टावर बचे भी हैं तो हम लोगों को इतना इशू होगा नहीं। और आई थिंक एक दो लून उसने कैरी किए थे कि अगर कोई बिल्डिंग विल्डिंग बच जाए तो उसको थोड़ी देर टैंक करने के लिए भी हो जाता है, और अगर कोई बिल्डिंग आपको डाउन करनी हो तो उसके लिए भी। इवन हम अभी देख सकते हैं हमारे पास अभी भी क्वीन एबिलिटी बची हुई है जो कभी यूज़ ही नहीं हुई, एक आर्चर बची है आई गेस क्लीन अप के लिए, बट क्लीन अप की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी विचेज हैं। तो ये तो हो गया अटैक हमारे पास आराम से ट्रिपल। अभी हम लोग एक और टाउन हॉल 11 का अटैक देखते हैं, वो भी लगभग लगभग प्लानिंग सेम ही रहती है, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, थोड़ा बहुत ट्रूप्स में ही वेरिएशन हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ लगभग लगभग सेम ही होता है। 14th है 15, आई डोंट रिमेंबर, लेट्स सी, हाँ 14 ही है, चलो फिर। तो इसमें भी वही है, दो मल्टी हैं, दो मल्टी का मतलब है टाउन हॉल 4 और 5, सॉरी टाउन हॉल 12 और 11 दोनों पे ही मतलब 4 जैप और 1 अर्थक्वेक लगता है इन्फर्नो लेने के लिए। तो लगभग लगभग हमारे पास स्पेल कॉम्पो सेम रहता है, 8 जैप लगेंगे आपके और 2 अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद आप पे थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है कि अगर आप लॉग लॉन्चर यूज़ कर रहे हो तो आप जंप की जगह, जैसे इस आर्मी में ये बंदा जंप यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये लॉग लॉन्चर नहीं यूज़ करेगा, इसने सीज बैरक यूज़ किया है। अगर आपको लॉग लॉन्चर यूज़ करना है तो आप जंप अपना एक बचा सकते हो, उसकी जगह 2 फ्रीज ले सकते हो, बस थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, क्योंकि अगर आप सीज बैरक यूज़ करते हो तो आपको सीज बैरक में उसके पैक और विजार्ड की थोड़ी मतलब एडिशनल बोल सकते हैं फायर पावर मिल जाएगी, अदरवाइज़ लॉग लॉन्चर में उतनी फायर पावर नहीं मिल पाती है। तो खैर ये मतलब ट्रूप्स तो खैर काफ़ी मिल जाते हैं टाउन हॉल 11 पे, अगर हम देखें तो पैका और इतने सारे विजार्ड मतलब काफ़ी जो भी है डैमेज देने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोनों दोनों वेरिएशन है, आपको जो अच्छा लगे ट्राई कर सकते हो, मैंने दोनों ही काम करते हुए देखे हैं, बस ये है कि लॉग लॉन्चर कभी कभी अटैक में मतलब काम नहीं कर सकता अगर आप टाउन हॉल के अपोजिट साइड से नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर टाउन हॉल की सेम साइड से आप जा रहे हो तो लॉग लॉन्चर का कोई फ़ायदा होगा नहीं, लॉग लॉन्चर के लिए मोस्ट ऑफली टाउन हॉल के अपोजिट साइड से ही जाना पड़ता है आपको, तो वो थोड़ा सा मतलब आपकी फिर बेस एंट्री भी प्रिडिक्ट कर सकता है बंदा। तो अभी भी हम देख सकते हैं, अगर इस अटैक में हम बात करें, हमारे पास वार्डन एबिलिटी जा चुकी है, वार्डन आई डोंट नो मेन ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं गया, आई थिंक किंग को उसने ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया, तो आई थिंक उसी के साइड किंग कहाँ गया, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा, जो भी है वार्डन आई डोंट नो क्यों साइड में भागा है, हो सकता है कुछ ज़्यादा सुपर विच ज़्यादा विचेस भागे कॉर्नर में, बट जो भी है हमारे पास अभी भी आर्चर क्वीन है, उसकी एबिलिटी बची है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें भी ये होता है कि आपके गोलम मर जाएंगे, गोलम या आइस गोलम आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो मर जाएंगे, मोस्ट ऑफली विचेस ही बचती हैं और किंग और क्वीन की एबिलिटी होती है जो लास्ट तक बचती है, क्योंकि क्वीन काफ़ी पीछे रहती है तो उसको ज़्यादा डैमेज आता नहीं है, फ्रंट में मतलब आपके जाइंट्स होंगे या आइस गोलम या गोलम आप जो भी यूज़ कर रहे हो। तो ये तो था मतलब एक सबसे सिंपल इजी अटैक मैं बोलूँगा, मतलब आपको अगर यूज़ करना हो तो इससे बेटर अटैक कोई नहीं मिलेगा, और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी ईजी होता है। तो अगर आपको कभी भी ट्रिपल करने हो और बेस्ट टाउन हॉल 12 11 दोनों ही टाउन हॉल पे, ये वाला अटैक
बहुत अच्छे से काम करता है। तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही। ऑल राइट गाइस, थैंक्स।